यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इससे पीछे वाली क्लासों में जो पहले तीन क्लासें हो गई उनमें नाभिक क्षय प्रतिस्थापन प्रक्रियाओं के उदाहरण चल रहे थे। तो अगला एग्जांपल लेते हैं, एल्कोहल का निर्माण। इसमें देखो जो पहले एक अभिक्रिया इससे पहले वाले क्लास में यूट्यूब चैनल में हुई थी आपकी, कौन सी, कि ईथर का निर्माण। तो उसमें ड्राई ईथर यूज में किया गया था जिसके कारण तो ईथर का निर्माण हुआ था। अब इसमें जो नम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड लेंगे उसके द्वारा एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। जैसे यह आपका एल्किल हैलाइड आ रहा है, या तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे जलीय KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो जलीय AgOH, अथवा नम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। इन सभी से एल्कोहल का निर्माण होगा। ऊपर वाले जो रिएक्शन है उसमें की है कि एक्स तो बाहर हो जाएगा और आर से OH हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एल्किल नोड। प्लस के एक्स और जो नीचे वाली होंगी उनमें AgX बार हो जाएगा। तो ये भी आपकी SN1 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। तो ये होता है एल्कोहल का निर्माण। देखो अगली रिएक्शन है एल्किल साइनाइड का निर्माण, RCN का निर्माण। आर मतलब एल्किल साइनाइड के निर्माण के लिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN अर्थात पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है। देखो अभिक्रिया का समय भी, या आर एक्स प्लस KCN KX बार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका RCN प्लस KX जो आपका RCN होता है। इसकी आई पेशी होती है एल्केन नाइट्राई। एल्केन नाइट्राई प्लस KX बार हो जाएगा। ये भी SN1 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। इसमें KCN इसमें CN नाभिक क्षय का काम करेगा और वही दो स्टेप में अभिक्रिया संपन्न होगी। अब देखो इसका एक उदाहरण लेते हैं, के बीयर बार हो जाएगा और कार्बन से CN हो जाएगा आपका CH3 CH2 CN। ये कार्बनिक काउंट होगा CN का, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन नाइट्राइल। सामान्य नाम की बात की जाए तो ये हो जाएगा प्रोपिल नाइट्राइल। तो ये आपकी IPC है प्रोपेन नाइट्रेट। अब देखो इसकी यूज है मतलब इसका एल्किल जो साइनाइड का निर्माण होता है इसके इसके द्वारा अन्य क्रियात्मक समूह का निर्माण भी किया जाता है या अन्य यौगिकों का निर्माण भी करते हैं। इसके उपयोग देखिए, RCN के उपयोग,
इसमें प्रथम रिएक्शन होगी पूर्ण जल अपघटन, नंबर दो पे आंशिक जल अपघटन, अगली है पूर्ण अपचयन, और अंतिम है लास्ट की है जो है आंशिक अपचयन। देखो एक एक का समीकरण लिखी, पूर्ण जल अपघटन प्रथम है, पूर्ण जल अपघटन से देव जल के दोनों प्रयुक्त होते हैं, इसमें तन्वायशील का भी यूज है, इसमें जो आपका मुख्य उत्पाद होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल आर्सेनिक अम्ल प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, RCl कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्केनोइक अम्ल। तो कभी भी यदि साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो हमें सदैव कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अगले देखो आंशिक जल अपघटन, तो आंशिक जल अपघटन में सदैव जल का एक मॉलिक्यूल ही प्रयुक्त होता है, ये सदैव इसका निर्माण होता है एमाइड का, तो इसका हो जाएगा एल्केनेमाइड। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो एल्किल समूह में CH3 लिया जाए तो आपको हो जाएगा CH3CONH2 एथेनेमाइड। अगला है पूर्ण अपचयन, पूर्ण अपचयन में से हाइड्रोजन जोड़ने का काम होगा, RCH2NH2 4H काम में आएंगी, तो ये निर्माण होगा आपका प्राथमिक एमीन NH2, तो ये नाम हो जाएगा इसका एल्केनेमी। जितने कार्बन होंगे उसकी एल्केन बन जाएगी, लास्ट में इसका अनुलग्न एमीन का एमीन जुड़ जाएगा, प्राथमिक एमीन है एल्केनेमी। और यदि ये जो ऑप्शन करवाया जाता है साइनाइड का, इस अपचयन को यदि सोडियम तथा एथेनॉल की उपस्थिति में करवाया जाता है तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है मेंडियस अभिक्रिया। लास्ट का है आंशिक अपचयन, यदि साइनाइड का ऑप्शन स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में करवाया जाता है तो इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और उपरोक्त अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, इसका नाम रिएक्शन होता है स्टीफन अभिक्रिया।
एल डी एड का निर्माण होगा, तो एल डी एड का अनुलग्न होता है एल, तो ये हो जाएगा आपका एल के नेत। यह आपके एल्किल साइनाइड अर्थात एल्के नाइट्राइल के अनुप्रयोग हो गए, जिसमें चार रिएक्शन की चर्चा हो गई। नंबर फर्स्ट है इसमें पूर्ण जल अपघटन, जल के सदैव दोनों काम में आते हैं और सदैव एल्किन युग्मन का निर्माण होता है। नंबर दो आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन में सदैव जल का एक अणु ही प्रयुक्त होता है। इसके अंदर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किनेमाइड अर्थात एमाइड का निर्माण होता है। नंबर तीन है पूर्ण अपचयन, पूर्ण अपचयन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ने से है, तो पूर्ण अपचयन यदि एल्किल साइनाइड का पूर्ण अपचयन करवाया जाता है तो इनमें सदैव प्राथमिक एमीन की प्राप्ति होती है। और यदि इस अभिक्रिया को अर्थात जो ये अपचयन करवाते हैं वो सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में करवाया जाता है, तब उपरोक्त अभिक्रिया को मेंडिस अभिक्रिया कहा जाता है। लास्ट की है आंशिक अपचयन, यदि साइनाइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड एसएल की उपस्थिति में करवाया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और उपरोक्त अभिक्रिया को स्टीफेन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके एल्किल साइनाइड के अनुप्रयोग होंगे। इसके देखो आगे चर्चा करते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण अर्थात आरएनसी का निर्माण, इस अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सदैव सिल्वर साइनाइड के साथ करवाई जाती है। अब इसमें देखो एच सी एन सिल्वर साइनाइड में क्या है, इसमें कार्बन तथा जो आपकी सिल्वर धातु है उसके मध्य से देव सहज संयोजक बंध होता है। केसीएन में तो आयनिक होता है, इसमें सहज संयोजक बंध होता है, जिसके कारण ये जो नाइट्रोजन परमाणु है इसके ऊपर लोन पेयर होने के कारण ये नाभिक स्नेह का कार्य करेगा, तो आपका जो एल्किल हैलाइड होगा उसमें धनावेशित कार्बन परमाणु से नाइट्रोजन परमाणु अटैच होगा। तो यह मुख्य उत्पाद के रूप में आपका एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा आरएनसी। यह अभिक्रिया संपन्न, इसके भी कुछ अनुप्रयोग हैं इस अभिक्रिया के भी, तो लिखेंगे आरएनसी के अनुप्रयोग। इसका भी नंबर है पूर्ण जल अपघटन, देखो इसका पूर्ण जल अपघटन नंबर दो पे होता है पूर्ण अपचयन। देखो इसमें इसका जो पूर्ण जल अपघटन और पूर्ण अपचयन होगा जो आपका पूर्ण अपचयन है उसमें भी वही हाइड्रोजन जोड़ने की चर्चा होगी, तो पूर्ण अपचयन में देखो वही 4H RNHCH3। तो यदि सदैव एल्किल जो आपका आइसोसाइनाइड होता है और यदि इसका पूर्ण अपचयन करवाया जाता है तो हमें द्वितीय के मीन मुख्यतया उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह जाएगा आर एन सी एस थ्री, जिसका आईपीसी नामकरण होता है एन एल्किल
एल के नेमी एन एल्किल एल के नेमी। इस नामकरण के लिए नाइट्रोजन परमाणु के दोनों तरफ क्या होगी, कार्बन परमाणु की श्रृंखला होगी, और इनमें भी ये दोनों साइडों में जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला होगी वो समान भी हो सकती है या असमान भी हो सकती है। तो इन दोनों की संख्या के आधार पर जो छोटी होगी उसके अंदर कैपिटल एन एल्किल लिखेंगे, और जिस साइड में कार्बन परमाणु की संख्या बड़ी होगी उसको एल्केन प्लस एमिन के रूप में लिखा जाएगा। तो ये आपका टोटल प्रारूप हो जाएगा एन एल्किल एल्के नेमी। पूर्ण जल अपघटन, वही पूर्ण जल अपघटन में सतह जल के दोनों प्रयुक्त होंगे। तो यह आपका हो जाएगा एक तो आपका प्राथमिक एमिन का निर्माण होगा प्लस मैथेनोएगम या फार्मिकम। प्राथमिक एमिन का नामकरण वही लिखेंगे एल्किन एमिन के। यह हो जाएगा आपका फार्मिकम। ये बिक्रिया होती है आपकी एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, तो एल्किल हैलाइड की बिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करवाई जाती है, तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब इसके आगे यदि इसके अनुप्रयोग देखे जाए तो आरएनसी के अनुप्रयोग देखिए तो इसकी दो बिक्रियाएं हैं मेनली, एक तो है पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन में सीधे प्राथमिक एमीन प्लस फार्मिक अम्ल का निर्माण होगा। अगली है पूर्ण अपचयन, इसमें और हाइड्रोजन प्रयुक्त होती हैं और ये बनता है आपका द्वितीय एमीन अर्थात एन एल्किल एल्के नेमीन। ये एल्किल आइसोसाइनाइड के निर्माण की बिक्री होगी। अगली अभिक्रिया है अमोनी अपघटन अर्थात तापमान अभिक्रिया। तो यह है अमोनी अपघटन अभिक्रिया या तापमान अमोनी अपघटन। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जो आपका एल्किल हैलाइड होता है उसकी अमोनिया अणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप में प्राथमिक एमीन द्वितीय एमीन तृतीय एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवणों का निर्माण होता है। देखो अभिक्रिया के समीकरण, जो आपका ये एल्किल हैलाइड है आर एच, सर्वप्रथम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया अणु के साथ। ये जो अभिक्रिया करवाई जाती है सदैव ये एक बंद नली में करवाई जाती है, तो आपका ये हो गया आर एक्स प्लस एन एच थ्री। तो अमोनिया अणु में से एक हाइड्रोजन निष्कासित होगा और एक्स के साथ एच एक्स के रूप में बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्राथमिक एमीन आर एन एच टू प्लस एच एक्स। तो इसका प्रारूप हो जाएगा जितने नाइट्रोजन परमाणु के साथ कार्बन अटैच में होंगे उसकी तो एल्किन बन जाएगी और इसका अनुलग्न होगा हो जाएगा एमीन। तो टोटल प्रारूप हो गया आपका एल्किन एमीन। ये तो प्राथमिक एमीन हो गया, इसके आगे देखो सेकंड स्टेप में जो आपकी प्रथम स्टेप में प्राथमिक एमीन का निर्माण हुआ आरएनएस टू, अब इसकी वापस रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड आरएच के साथ, वही आपका एच एक्स बार हो जाएगा और द्वितीय केमिन का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आरएनएचआर प्लस एच एक्स, ये हो गया आपका द्वितीय केमिन। यदि इसकी इसके प्रारूप की बात की जाए तो इसको लिखेंगे एन एल्किल एल्के नेमी, यह आपका हो गया द्वितीय केमीन। अगली रिएक्शन वही
द्वितीय पद में बना आपका द्वितीय के मीन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे वही एल्किल हैलाइड के साथ, तो ये आपका तृतीय के मीन का निर्माण हो जाएगा। तृतीय के मीन का प्रारूप होता है कैपिटल एन एन डाई एल के, कैपिटल एन एन डाई एल्किल एल्केनेमी। यदि कार्बन से NH2 समूह जुड़ता है तब उसको बोला जाता है प्राथमिक एमीन, और यदि आपका NH समूह है दोनों साइड से कार्बन परमाणु से जुड़ता है तब उसको बोलते हैं द्वितीय एमीन, अर्थात द्वितीय एमीन को NH के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके नाइट्रोजन परमाणु यदि तीन कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है या तीन कार्बन से अटैच है तब उसको बोलते हैं तृतीय एमीन। ये आपके हो गए। अब देखो लास्ट जो तीसरे पद में आपका 3 डिग्री एमीन बना था उसकी वापस रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, क्यों हो जाएगा RNR और R, इसकी रिएक्शन करवाएंगे वही एल्किल हैलाइड RX के साथ। अब इसमें हमें चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होंगे, ये हो गया आपका टेट्रा एल्किन, ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड आयन। अर्थात होते हैं चतुष्क लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। यह आपकी विधि कहलाती है अमोनी अपघटन या हाफमान अमोनी अपघटन। अर्थात इस विधि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अमोनिया अणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है जिसके परिणाम स्वरूप में तीनों प्रकार के एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवणों का निर्माण होता है। तो अब इनके पृथक्करण के लिए भी बहुत परेशानी होती है, इसके लिए ये जो आपके एमीन बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं मानी जाती। ये आपकी विक्रिया संपन्न हो गई अमोनी अपघटन। अगली रिएक्शन देखो लेते हैं थायो ईथर का निर्माण। थायो ईथर का निर्माण या संश्लेषण, इसमें देखो क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ करवाई जाती है। यह आपका एल्किल हैलाइड RX प्लस Na2S, सोडियम के दोनों में तो एल्किल हैलाइड के दोनों हो जाएंगे, इसमें यह बढ़ जाएगा आपका RSR प्लस, दोनों हो जाएंगे आपके सोडियम हैलाइड के NaX, यह बढ़ जाएगा आपका थायो ईथर। अगली अभिक्रिया है थायो एल्कोल का निर्माण। देखो थायो एल्कोल के निर्माण के लिए
इसमें जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाई जाती है, तो ये आपका एल्किल हैलाइड RH होता है प्लस NaSH सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो आपका NaH तो बाहर हो जाता है और ये जुड़ जाता है RSH प्लस NaX, ये आर आर का मतलब वही कार्बन एल्केन से हो जाएगा, एल्केन थायोन। एल्केन थायोन देखो इसका एग्जांपल लेते, एन ए बी आर दोबार हो जाएगा और कार्बन से आपका एस ए जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एस एच, जितने कार्बन उसकी एल्किन बनाएंगे और लास्ट में इसका अनुलग्न थायोन जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा दो कार्बन हो गए, दो कार्बन के लिए एथेन एथेन और ये थायोन हो जाएगा एथेन थायोन। अगली रिएक्शन देखते हैं एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण देखो इसमें जो आपका एल्किल हैलाइड RX है उसकी रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाई जाती है तो KX तो बाहर हो जाएगा प्लस KX, KNO2 में इसमें भी आयनिक बॉन्ड होता है जिसके कारण ये नाइट्रोजन है जुड़ के ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है कार्बन से तो ये हो जाएगा आपका आर ओ एन द्विबंध हो तो ये हो जाएगा एल्किल नाइट्राइट। एग्जाम्पल की बात की जाए KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड है वो ये आपका KBr बार और ये जुड़ जाएगा ये हो जाएगा CH3 CH2 NO2 प्लस KBr ये बन जाएगा आपका एथिल नाइट्राइड। CH3CH2NO2 ये हो जाएगा एथिल नाइट्राइट। तो आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। देखो अगली अभिक्रिया होती है नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नाइट्रो एल्किन देखो जो आपका NO2 होता है यदि जो आपकी कार्बन की मुख्य श्रृंखला है यदि कार्बन से इसका ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है ON तब तो इसको बोला जाता है नाइट्राइट और यदि कार्बन श्रृंखला से आपका N परमाणु जुड़ता है तब बोलते हैं इसको नाइट्रो। अब देखो इसमें नाइट्रो एल्किन का निर्माण इसके लिए एल्किल हैलाइड होता है आपका RH
इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाई जाती है AgNO2, वही आपका HGX तो बाहर हो जाएगा और ये R के साथ आपका N जुड़ेगा NO2, क्योंकि इसमें Ag है तो इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो ऑक्सीजन परमाणु नहीं जुड़ के नाइट्रोजन परमाणु ही जुड़ता है, तो ये हो जाएगा RNO2 प्लस AgX। RNO2 हो जाएगा आपका नाइट्रो एल के। हो जाएगा आपका नाइट्रो एल्केन। उदाहरण के लिए AgBr बार हो जाएगा और CH3NO2। वही नाम हो जाएगा नाइट्रो NO2, पहले नाइट्रो लिखा जाएगा उसके बाद में जितने कार्बन श्रृंखला होगी उसके हिसाब से एल्केन लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा नाइट्रो एल्केन की जगह मेथेन आ जाएगी, नाइट्रो मेथेन। अगला उदाहरण देखो, अगला आपका तो डिग्री हैलाइड है, वही AgBr बार हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा CH3। प्लस ये हो जाएगा आपका AgBr। देखो इसके नामकरण की चर्चा की जाए तो टू नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है, आपकी अभिक्रिया हो गई नाइट्रो एल्किन का निर्माण, इसके द्वारा NO2 समय में से कार्बन के मुख्य श्रृंखला से नाइट्रोजन परमाणु जुड़ता है। लास्ट की रिएक्शन है देखो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसको सदैव FCR रिएक्शन बोला जाता है, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में भी आती है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया शॉर्ट में इसको FCR रिएक्शन बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एल्किल हैलाइड होता है उसकी रिएक्शन बेंजीन अर्थात एरोमेटिक कंपाउंड के साथ करवाई जाती है, इसके लिए कैटलिस्ट निर्जल या एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया जाता है, तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल युक्त बेंजीन प्राप्त होती है अर्थात एल्किल युक्त एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। या आपकी जैसे बेंजीन है एल्किल हैलाइड, या आपका कैटलिस्ट हो गया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड अर्थात निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें यदि इसकी क्रियाविधि देखी जाए, अभी आगे क्रियाविधि की चर्चा करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण होता है और बेंजीन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, तो ये सदैव इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है, तो बेंजीन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा और
हाइड्रोजन परमाणु हट के उसकी जगह जो आपका कार्बोकैटायन बनता है एल्किल हैलाइड में से, वो आके जुड़ जाएगी। प्लस ये हो जाएगा आपका एच एक्स। तो ये आप जो जाएगी एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन। अगली अगला उदाहरण देखो इसमें। वही एंजिन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा एथिल। ये आपका कार्बोकैटायन बन गया, इसका योग हो जाएगा, ये बन जाएगी आपकी एथिल बेंजीन। ये उत्पाद के रूप में बनेगा आपका एथिल बेंजीन। अब देखो इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि में देखो जो आपका पहली या प्रथम स्टेप हुई है इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण होगा। वो इसका विषमांश विखंडन है, धीमा पद है, मंद पद है, आरडीएस अर्थात वेग निर्धारक पद भी यही होगा। ये तो जाएगा आपका कार्बोकैटायन आयन प्लस प्लस ये हैलाइड आयन के रूप में हो जाएगा। लेकिन जो आपका कैटलिस्ट होता है निर्जल जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, उससे ये जुड़ के पहले संकुल का निर्माण करता है। ये बना लेता है जैसे AlH3 का यूज करते हैं तो प्लस एक्स ये हो जाएगा AlH4। ये अलग से संकुल का निर्माण कर लेता है। तो जो आपका मध्यवर्ती बनता है R+ अर्थात धनावेश कार्बन परमाणु, उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। यहां पे यदि एक्स की जगह Cl लेंगे क्लोराइड तो ये AlCl4 हो जाएगा। ये संकुल बन जाएगा। ये देखो कार्बोकैटायन, या कार्बोनियम ये बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर इसके इसका आक्रमण होगा कार्बोकैटायन का। यदि बेंजीन जो होती है आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है और यदि वो उसके ऊपर धनावेशित आ जाता है अर्थात बेंजीन यदि धनावेशित हो जाती है तो उसको बोला जाता है एरिनियम आयन या सिग्मा संकुल या वीलैंड मध्यवर्ती, जिसमें अनुनादी संरचना देखेंगे। तो पहला तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण प्रथम पद में R+ बन गया। देखते हैं नंबर दो, बेंजीन की अनुनादी संरचना। ये आपकी जो बेंजीन होती है ये आपका कार्बोकैटायन है। अब इसमें देखो क्या होगा, जो आपका बंध है ये जाके इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो क्या बन जाएगी, देखो
ये आपका कार्बोकार्बन रेस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी धनावेशित बेंजीन। इसको बोला जाता है एरिनियमाइन। या सिग्मा संकुल, क्योंकि इसमें एकल बंध के द्वारा कार्बोकैटायन जुड़ता है। या इसको बोला जाता है विहीलैंड मध्यवर्ती। ये तीनों ऐसे उपनाम एरिनियमाइन बोलते हैं इसको, या सिग्मा संकुल या विहीलैंड मध्यवर्ती, तीनों नामों से इसको पुकारा जाता है। अब देखो इसमें अनुनाद हो जाएगी, ये जो आपका एरिनियम आयन या सिग्मा संकुल बना, इसमें नॉर्थ के द्वारा देखो ये ट्रांसफर होंगे बंद होगा, जो ये नीचे वाला ये वहां पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे तनावित हो जाएगी। अगली स्टेप में क्या होगा, ये दीबन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे तनावित हो जाएगी। यह आपकी एरिनियमाइन की अनुनादी संरचना हो गई। यह हो गई आपकी एरिनियमाइन की अनुनादी संरचना। अब इसके आगे देखो क्या होगा, जो लास्ट है आप एरिनियमाइन की अनुनादी संरचनाएं लिखी थी उनमें जो लास्ट की स्टेप है उसमें से प्रोटॉन का निष्कासन होगा, तो बंध के इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, धनावेश समाप्त हो जाएगा। तो यह मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अंत में जो आपका अभिक्रिया के दौरान H प्लस पॉजिटिव बना वो वापस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर लेगा, H प्लस प्लस AlCl, AlCl4 जो प्रारंभ में संकुल के रूप में बना था, ये बन जाएगा आपका AlCl3 प्लस HCl, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगी पहले आपकी एल्किल बेंजीन। तो ये आपकी अभिक्रिया थी फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, जिसको FCR के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया पूर्ण हो गई। कल इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।